अगर कंटिन्यूटी होती है तो मैं अगली बारी जो देखता हूँ वो किसी और की होगी। अगली बारी लगाई साहब बताएंगे, लगाई साहब बिलावल साहब आ रहे हैं अगली बारी। ऐसे जो मुगुइयां भी हैं कि बिलावल साहब अगले प्राइम मिनिस्टर, सुन तो हम भी रहे हैं, बिलावल साहब के बारे में सुन रहे हैं, मरीम नवाज के बारे में सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ के बारे में सुन रहे हैं, जरदारी साहब के बारे में सुन रहे हैं। जाहिर है आपके पास ये लीडरशिप। जरदारी साहब पे शर्त लगाया? नहीं, जरदारी साहब पर मैं शर्त नहीं लगा, तो शर्त तो आप लगा, मैं लगा लेंगे। जरदारी साहब तो वैसे मईशत ठीक करने की बातें भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं 100 अरब डॉलर तक ले जाऊंगा। देखिए ये बात मुमकिन है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ मुमकिन रहा है हमेशा। अच्छा। हमें हमारी बीमारी की जड़ ढूंढनी होगी, तो हमें ये जरूर देखना होगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान एक जब एक एक जगह पर पहुंचता है और एक जगह पर अपनी उड़ान कर रहा होता है, उस वक्त क्यों पकड़ लिया जाता है, पाकिस्तान को क्यों रोक दिया जाता है। तो सरदार साहब जब पहले थे सदर पाकिस्तान, तो उस वक्त उनके दौर में क्या, उनके दौर में आप डिफरेंस देखें, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस 5 अरब डॉलर का है, ऐसा नहीं है कि दुगनी से ज्यादा बढ़ गई थी जो अब हुआ है। उनके दौर में बहुत ज्यादा जितना इंपोर्ट्स थी, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का फर्क बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा, चंद अरब डॉलर का था। वो ऐसा नहीं था कि जो आज के हिसाब से है कि दुगनी से भी बढ़ गई हैं आपकी इम्पोर्ट जो हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी और की नहीं बढ़ी है, इंडिया की भी जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा इंडिया के पास इम्पोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन बाहर उनकी इकनॉमी एक एक वो है, पाकिस्तान के पास ये हमेशा रही है अपॉर्चुनिटी, और ख़ास तौर पर ये साबिक दौर जो था इसमें भी थी और उससे साबिक दौर में भी थी, लेकिन आपने उस सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं दी। जब आपको यहाँ कहने के लिए आ रहा है बिल डिगेट का है, जनाब मैं आपके पास आता हूँ और आपको मैं ये देता हूँ, आपको ये आप टेक्नोलॉजी में आए और इस साथ में आ जाएं, तो आपने इनकार कर देते हैं कि नहीं, बिल गेट तो हमारे खिलाफ वो करने आ रहा है, कोई मुखबरी करने के लिए आ रहा है। और जब पाकिस्तान के अंदर आप इतनी ज्यादा $350 मिलियन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में हो रही थी, तो आपने जाकर कहा कि नहीं भी हम तो आप मईशत की तरफ चले गए, हम अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद माशी